आप लोग जो मुझे प्यार बार बार करते हैं, प्यार देते हैं, मैं आप सबका आभारी हूँ। आज मैंने कहा चलो मैं आ जाइए चौधरी रोशन सर स्वीट हमारे मजीद साहब के साथ। श्री गुफारा मेरा अपना होम टाउन भी है। सेवा शक्ति मंडल के ओर से हमारी महाराजा भुवनेश्वर देवी जी के ओर से आज हमने यहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि आज कोरोना वायरस में हमारा लॉकडाउन रहा। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में राशन नहीं था, आज मैंने उनको राशन यहाँ पे दे दिया है। और ये कंटिन्यूस मेरी प्रोसेस है कि जहाँ जहाँ हमारे गरीब लोग रहते हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको मैं राशन पहुँचाता हूँ। और आज मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ। आज इस पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने ये 40-50 किट जो हैं दान दिए हैं। मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के टीम भी हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है। हमारा सेवा ही संगठन है, हम सेवा में लगे हैं। आज आप देखेंगे कि बाकी अपोजिशन पार्टियां जो है अपने घरों में बैठे हैं और खाली बयानबाजी कर रहे हैं, बट भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप देख लीजिए हर एक कश्मीरी के साथ है। हमने खून दिया है, हॉस्पिटल में हम गए, जो हमारे काउंट पेशेंट हैं उनके लिए हमने 300 पॉइंट अभी तक ब्लड भी दिए हैं। और कल बारामूला में भी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, शायद मैं वहां भी जा रहा हूं। और कल से और एक प्रोग्राम है, कल वेरीनाग में भी हमने एक प्रोग्राम रखा है। तो बिना मजहब मिलत हम ये गरीबों में बांटते हैं। तो आज ये सेवा शक्ति मंडल के ओर से हमें कुछ किट्स मिले थे, आज हमने उसमें से 50 किट जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और जो उसमें सारा अशियाई खरीदनी है। प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के मुजफ्फराबाद चले गए पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान को वो बार बार रास नहीं आ रहा है। आज अगर पाकिस्तान तैयार है हमारे साथ बातचीत करने की बिना किसी शर्त पे, वो हमसे बात करें, हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब वो कहेंगे कि 2019 की पोजीशन कश्मीर में अब दोबारा करें, ऐसा नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है। इन लोगों की ही वजह से 70 साल से हमारा जम्मू कश्मीर पीस रहा था। और मैं इमरान खान साहब को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आज देश के प्रधानमंत्री आपको ऑफर करते हैं और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। सर ये बताएं जो डिलिमिटेशन कमेटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें ना बीजेपी को लेना है ना किसी पार्टी को लेना है। वो ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने जो फैसला लिया है और वो हम सबको मानना पड़ेगा। हम मानते हैं कि यहाँ भेदभाव हुआ है। आज अगर इन्होंने डिलिमिटेशन कमेटी जिन्होंने यहाँ फैसला ले लिया है, हम सबको मंजूर होना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ अच्छे इलेक्शन हो, यहाँ पॉलिटिकल सरकार बने।